गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस लाइफ। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कोई हॉल वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूँ, जस्ट मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मीशो पे ना आजकल मतलब मेरे साथ भी हो चुका है, काफी फ्रॉड भी चल रहा है। आप ऑर्डर कुछ करते हो, आपको रिसीव कुछ हो जाता है और उसके बाद वो आपको रिटर्न भी नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाली हूँ। मीशो की मैं हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ कि आपने ऑर्डर परचेज कैसे करना है, ऑर्डर आप जो डिलीवर होता है तो रिटर्न कैसे करना है, मतलब वो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेस लाइफ 2020, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप ऑर्डर को रिटर्न कब तक कर सकते हैं? तो जो भी आप मीशो से परचेज करते हैं वो आपको विद इन 7 डेज के अंदर रिटर्न करना होता है। इनकेस आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है और आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो जब वो आपको रिसीव हुआ है उसी दिन आप उसको ट्राई करके देख लें, आप अच्छे से खोल के देख लें कि वो कुछ मतलब डर्टी पीस तो नहीं है, या उसमें कुछ खराब तो नहीं है, या कटा हुआ तो नहीं है, या फटा हुआ तो नहीं है। तो वो चीज़ें आप फर्स्ट डे ही जैसी आपको रिसीव हो उसी दिन आप उसे खोल के चेक कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस दिन वो हमें रिसीव होता है हम उसको रख देते हैं कि यार हम आराम से खोल लेंगे, 2-3 दिन निकल जाते हैं, तीसरे चौथे दिन हमें पता चलता है कि यार ये तो खराब पीस है। उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि छठवें दिन अगर हम उसका रिटर्न डालने का सोचते हैं, कई बार ये लोग ना रिजेक्ट भी कर देते हैं कि जैसे आपने फोटो इमेज जो है वो क्लियर नहीं डाली। उसके बाद क्या होता है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और 7 डेज अगर आपके कंप्लीट हो गए तो वो आपका प्रोडक्ट अब रिटर्न होगा ही नहीं। सो इसलिए जब आप मीशो से परचेज करते हैं तो बहुत ही ध्यान से परचेज करें, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है ना रिटर्न का वो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप मिंत्रा से परचेज करते हो, फ्लिपकार्ट, इन पे आपको ना 1 मंथ का रिटर्न पीरियड मिलता है, तो उसके बीच में आप रिटर्न कर सकते हो। बट मीशो पे आपको टाइमिंग बहुत कम मिलता है, 1 वीक का। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सो सेकेंड बात आती है कि आपने ऑर्डर कुछ किया और आपको परचेज कुछ हो जाता है, तो इस केस में आपने क्या करना है? जब आप ऑर्डर करते हैं तो फर्स्टली जब डिलीवरी बॉय आपके पास आता है तो आपने फर्स्टली चेक करना है ऑर्डर नंबर। हम क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय आया, पैसे पेमेंट तो हमने पहले ही कर रखे होते कार्ड से, या कैश ऑन डिलीवरी है तो पैसे दिए और जल्दी से हमने प्रोडक्ट रख लिया, और हमने कुछ भी चेक नहीं करते, ना हम ऑर्डर नंबर चेक करते हैं, ना हम ट्रैकिंग नंबर चेक करते हैं। ऐसा पहले मैं भी करती थी, बट जब से मेरे साथ ऐसा हो गया है तब से मैं काफी अवेयर हो गई हूँ, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब डिलीवरी बॉय आता है तो आपने पैसे देने से पहले, या अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन कर रखी है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर चेक करने के बाद आपने ट्रैकिंग नंबर भी चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर नंबर आपको सेम वही मिल जाता है जो आपने ऑर्डर किया है, बट ट्रैकिंग नंबर अलग होता है, तो उसके अंदर आपको कोई और प्रोडक्ट मिल सकता है और उसके बाद फिर वो लोग रिटर्न भी नहीं होता। क्योंकि ये मीशो वालों का फॉल्ट नहीं मैं कह सकती, बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ होती है जिसकी वजह से आपका जो सामान है आपके पास गलत रिसीव होता है, और वो जो आपने ऑर्डर नहीं किया होता वो रिसीव हो जाता है, उसके बाद आपको रिटर्न करने में भी काफी प्रॉब्लम आएगी। सो इन चीजों से बचने के लिए जब भी ये डिलीवरी बॉय आपके पास आए तो आपने अपना ऑर्डर नंबर जरूर चेक करना है, साथ ही आपने ट्रैकिंग नंबर भी जरूर चेक करना है। सो इससे जो भी फ्रॉड वाला जो सिस्टम है उससे आप बच जाओगे और आपके पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो ये थी सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे काफी लोगों ने पूछा भी था, तो ये प्रॉब्लम आई होप आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो थर्डली बात आती है कि आपका ऑर्डर नंबर भी सेम था, ट्रैकिंग नंबर भी सेम था, आपने चेक कर लिया है, बट फिर भी जब आपने प्रोडक्ट ओपन किया वो आपको टोटली डिफरेंट मिला है। तो आपने इस केस में आपने क्या करना है कि जब आप रिटर्न सेम डे ही आप रिटर्न डाल दोगे और रिटर्न में आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि प्रोडक्ट इज टोटली डिफरेंट, जो आपने ऑर्डर किया उससे टोटली डिफरेंट है, वहां पे आपको सेक्शन मिल जाएगा जहां पे ये कॉलम होता है जो मतलब आप रीजन डालोगे उसमें आपको ये रीजन मिल जाएगा, तो वो आपने रीजन डालना है, इमेज डालनी है क्लिक करके, जो आपको गलत प्रोडक्ट मिला उसकी इमेज डालनी है और उसके बाद आपने रिटर्न कर देना है। अगर इन केस रिटर्न वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं, उनका जो कस्टमर केयर नंबर है वो आपको ऐप में ही मिल जाएगा, वहां से आप उनको डायरेक्टली रजिस्टर्ड नंबर से ही आपने कॉल करना है जिस नंबर से आपने ऑर्डर किया था।
आपने उसको उनको कॉल करना है, उनको कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो वहां से भी रिटर्न डाल सकते हैं। तो इससे जो आपकी रिटर्न है, वो जो गलत प्रोडक्ट आपको मिला था, उसका आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। सो अगर कभी आपको गलत प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है तो आप उनको इजिली रिटर्न कर सकते हैं विद इन अ 7 डेज। सो आई थिंक ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी होगी। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, आप जब ऑर्डर आपने कर दिया है वो आपको एस्टिमेट जो डेट दी होती है उससे काफ़ी पहले ही आपको रिसीव हो जाता है, और उसमें ऑर्डर नंबर भी बिल्कुल गलत होता है, ट्रैकिंग नंबर भी बिल्कुल गलत होता है। तो जो लोग बिना देखे हुए ऑर्डर कर रिसीव कर लेते हैं और रख लेते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा झटका लग जाएगा अगर आप ऐसी गलती करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्डर नंबर भी गलत है, ट्रैकिंग नंबर भी बिल्कुल गलत है, तो ये बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें जब आप मीशो से परचेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह का ऑर्डर आप रिसीव करते हैं तो मीशो वाले भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उसको रिटर्न करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ना ये हमारा ऑर्डर नंबर है ना ये ट्रैकिंग नंबर है। सो पहले तो उन्होंने काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, रिटर्न दे दिया था, बट बाद में उन्होंने नहीं दिया काफ़ी लोगों का, क्योंकि वो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने भेजा ही नहीं है। क्योंकि आप लोगों को चेक करना चाहिए, जब आप रिसीव करते हैं तो आपको चेक करना चाहिए था ऑर्डर नंबर या ट्रैकिंग नंबर। तो इस करके ये जो ये ऑर्डर है ना, आपको इमेज जो उस पे ऑर्डर पे जो आपने ऑर्डर किया होगा इमेज उसकी ही दिखेगी, जो कोरियर जो आपका जो आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो उसके ऊपर इमेज आपको वही दिखेगी, बट जब आप ओपन करोगे ना वो टोटली डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें कि ऑर्डर नंबर एंड ट्रैकिंग नंबर आप अच्छे से देख के फिर ही लें। अभी मुझे लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ना ऑर्डर किया था एक पिंक कलर की ड्रेस, और वो ड्रेस ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा वो मतलब काफ़ी जो इंस्टाग्राम स्टोर है वो लोग सेल कर रहे थे। तो ये मैंने सर्च किया तो मुझे ना मीशो पे भी ड्रेस मिल गई, तो मैंने वो ऑर्डर कर दी। बट मुझे ना जो रिसीव हुई वो टोटली डिफरेंट थी, रेड कलर की ड्रेस थी और प्रिंट थोड़ा बहुत सिमिलर था बट बिल्कुल सिमिलर नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस वो जो उसमें ऑर्डर नंबर था वो भी अलग था, और बाद में मैंने चेक किया उसमें ट्रैकिंग नंबर भी अलग था। और वो ड्रेस मैंने मीशो पे जब सर्च की कि इस तरह की ड्रेस मीशो पे है अवेलेबल, तो वो ड्रेस वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी। इट मीन्स कि ये बीच में ही कोरियर वालों ने कुछ किया या आई डोंट नो मतलब क्या हुआ, और वो ड्रेस बिल्कुल ही अलग थी। अब वो ना रिटर्न हुई है, कस्टमर केयर पे मैं फ़ोन कर रही हूँ तो उनका वहाँ से ही आ रहा है कि यह मैम हमारा ऑर्डर नंबर नहीं था, आपको चेक करना चाहिए था पहले। तो अब वो अपने सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट इससे आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। अगर आपने कोई लहंगा ऑर्डर किया या कोई महंगी चीज़ ऑर्डर की है तो इसमें आपके पैसे फंस सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ऑर्डर नंबर एंड ट्रैकिंग नंबर ज़रूर ध्यान दें। और कई बार ही क्या होता है कि ऑर्डर एंड ट्रैकिंग नंबर सब सेम है और अंदर आपको प्रोडक्ट गलत मिल जाए। सपोज आपने लहंगा ऑर्डर किया तो आपको पता है यार लहंगा थोड़ा हैवी होगा, अगर वो आपको पतली सी पैकेजिंग में मिलता है तो अगर आपको डाउट हो कि इसके अंदर यार कुछ गलत प्रोडक्ट मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा मुझे कि जो मैंने ऑर्डर किया है वो हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। कुरियर बॉय से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे ओपन करके देखने दें, इनकेस प्रोडक्ट वो नहीं होगा तो आप एक पेपर पे लिख के उनको दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने जो ऑर्डर किया था वो नहीं था, आप किसी प्लेन पेपर पे लिख के उनको दे सकते हैं। तो वो लोग भी एग्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मना करेंगे कि नहीं आप ओपन मत करें। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि देखो भैया मैंने इतने पैसे पे करने हैं तो ये ड्रेस मुझे लग नहीं रहा है कि वो है, तो मुझे प्लीज़ ओपन करके देखने दें, तो वो आपको ओपन करके देखने देंगे। तो इस केस में भी आप फंसने से बच सकते हैं, तो आपको मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप स्मार्टली परचेज करते हैं मीशो से। मीशो ऐप बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको कपड़े काफ़ी अच्छे रिसीव होते हैं, बट पता नहीं क्यों कुछ टाइम से ना काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो जो मैंने ये सिंपल स्टेप बताए हैं आप इनको फॉलो करें, आप बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं होगा। सो आई होप या वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।